नहीं आया है मार्ग में उजिक दिन रात दी मर चलिया में तकदी सुजिया यार दिया मार गई उजिक मैनू दे गया तरीक मेरा ढोला नहीं आया है मर चलिया बच्चों का टाइम भी अच्छा गुजर जाता है, फैमिलीज भी इजी फील करते हैं और यहाँ स्कूटी वाली कोई ऐसा इशू नहीं होता है। और प्रॉपर्टी एक्सपो के हवाले से सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पर आपको एक छत के नीचे हर तरह के प्लाट फ्लैट्स जो क्या कहते हैं घर बने बनाए ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर इन्फो मिलती है। तो इसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ और अग्रीस दौल तालबी को माशाल्लाह यहाँ केट जरीना की कम अज़ कम स्पेशली जान होते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया है बाबा साहब। इंशाल्लाह सैयद अली बाबा साहब आपको दोबारा बुलाएंगे थोड़ी देर बाद, अल्लाह पाक खैर करें। सो प्लीज़ अ बिग हैंड फॉर मिस्टर सुल्तान। सुल्तान रुमेल इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट बयान टू इस्लामाबाद। जी मिस्टर सुल्तान रुमेल, और ये मैं बताता चलूँ कि जो माँ की शान मेरा सॉन्ग है उसमें माशाल्लाह इन्होंने एज ए मॉडल का किरदार अदा किया है। तो सुल्तान रुमेल साहब कुछ गुनगुना के थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएँ कि टुडे व्हाट यू फील अबाउट दिस एक्सपो अबाउट दिस फेस्टिवल। थैंक्स अ लॉट। जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको, और इतना खूबसूरत फेस्टिवल और फिर हमारे ग्रीस दौल तालबी चार चांद लगा रहे तो गुनगुनाने की कोशिश करते हैं। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और प्यारे और प्यारे। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना प्यारे। थैंक यू सुल्तान मेर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी बहुत अच्छी बात है और ये माशाल्लाह जैसे शादियों में कंजूसी ना करें। मैं आपको बताता चलूँ कि 100 में से कोई ऐसा एक बच्चा होता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। तो शी इज कॉन्फिडेंशियल गर्ल। सो वंस अगेन भरपूर तालियां बच्ची के लिए, जबरदस्त, बड़े हौसले और बड़े कामल मजाजी से इसने स्पीच किया है। अच्छा जी हमारे पास यहाँ पटवारी ड्रामों के फनकार बैठे हुए हैं सैयद अली बाबा साहब, तो इनके लिए तालियां बजा दी, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम मेरा सैयद अली बाबा और मेरा यूट्यूब चैनल है ये। अभी जो मैं परफॉर्मेंस देने लगा उसके बारे में सब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये मेरे चैनल पे BFC TV। आप में से जो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बहुत शुक्रिया। आजकल
आपकी कैफियत है और हमारी बहनें बेटियाँ और बच्चियाँ भाई सारे आए हैं तो थोड़ा सा मेरे जेल में हमारे राहुल चंद्र इस्लामाबाद के मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट है संजय अनवर साहब ने नाम भी है उनकी एक बड़ी प्यारी परफॉर्मेंस है वो मैं आपको पेश करूँगा तो वजह से अगर देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। हमारे न्यूज कास्टर रूम में न्यूज कास्टर बर्बाद नहीं पहुँचा तो परेशानी बन गई तो अग्रीज साहब जैसे प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा यार फौरन बाहर से किसी बंदे के चक्कर के अलावा खबरें पड़ ली हैं तो बाहर से एक फीमेल गुजर रहा था वो उसी को पकड़ के ले आए उन्होंने कहा आओ भाई न्यूज़ पढ़ो तो अब फीमेल का अपना स्टाइल होता है रोड से सुनिएगा ये अपनी बहनों बेटियों के लिए ज़्यादा पेश कर रहा हूँ कि एंजॉय करेंगी आपकी थकन भी उतरेगी तो फीमेल न्यूज़ कैसे पढ़ती है अभी ताज़ा ताज़ा खबर आई है अभी ताज़ा ताज़ा खबर आई है कि नई वाला कुल जीवन गया है रात बहुत बड़ा सैलाब आया हुआ है और बुरी दुनिया तबाह हो रही है कुछ दिन साढ़े घर ही डिग पे ने तो हूँ अस प्रोग्राम कितने करा लर की करा तो कितों खावे तो अल्लाह का नाम भी कुछ साड़ी भी समझा करो दीदी आप न्यूज पढ़ेंगे आप क्या कर रही हैं ठीक है लैमर से और की कर रही है न्यूज भी कर रही है इसी तरह बच्चे बैठे हुए हैं अक्सर हम लोग एक बात करते हैं कि अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए अच्छे स्कूल से मुराद क्या होती है एक तो ये होता है कि महंगा स्कूल है एक ये होता है जहाँ पर टीचर अच्छे हैं तरबियत अच्छी चाहिए इसका डिफरेंस क्या होता है एस नाइन पार्क एक दफ़ा मुझे जाना हुआ तो उधर व्यू के अंदर तो दो स्कूलों के बच्चे आए हुए थे पढ़े लिखे स्कूलों के जो अच्छे पढ़ाते हैं उनके डिफरेंस से बच्चे वो गए तो उन्होंने वो सारा पिंजरा देखा मंकी जिसके अंदर तो वो बड़े मजे से कह रहे हैं कि वो देखो मंकी वो जंप कर रहा है वो देखो वो उसके साथ खेल रहा है वो देखो उसकी गन पकड़ रहा है तो इंजॉय कर रहे हैं तो जो जिस स्कूलों में मैंने रजरीज साहब ने पढ़ा पंजाबी को रुका है छोटी स्कूल तो वो बच्चे भी आए हुए तो उन्होंने जो बंदर देखे ना तो एक दूसरे को कहता ओ मलेरिया कच्चे ना थोड़ा पे क्या पे करना और कमरानिया वो कच्चे ना थोड़ा मुशेर क्या पे करना मारे इसकी बच्चा मजा आया तो क्लैप कर तो ये जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं ये बड़े डिसेंट होते हैं बिजारे पाकिस्तान के ऊपर गए बिल्कुल टॉप पे जाके नीचे देख रहे हैं वो देखो अच्छा हमारी गाड़ी बिल्की कार नज़र आ रही है वो देखो लोग चोटियों की तरह नज़र आ रहे हैं और ये जो दूसरे स्कूलों वाले मारे वाले स्कूलों वाले बच्चे होते हैं ये मीनार पाकिस्तान की छत पे चढ़ के भी मीनार पाकिस्तान के टॉप पे चढ़ के जब नीचे देखते हैं आना हुआ करने मुकाबला कर गया पहला किसना थूक तो लै गया थी बहुत शुक्रिया जी टाइम शॉर्ट है इंशाल्लाह और आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे दो टीवी चैनल है यूट्यूब पे एक का नाम है BFP TV ब्राइट फेस ऑफ पाकिस्तान माई बहनी बेटियाँ सब देख सकती है इसमें कोई गलती नहीं होती और दूसरा है सात रंग TV तो आप सब लोग सबके पास मोबाइल होते हैं अच्छी अच्छी वीडियो इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर तो BFP TV और सात रंग TV आप सब लोग सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखा करें अपने पाकिस्तानियों को प्रमोट करें पाकिस्तानी बने और फिलहाल जगान या स्पेशली हम आप 5-10-20 रुपये जिस तरह जहाँ भी जिसकी भी आप मदद कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी करें ये बहुत यूज है। मैं सुल्तान उमेर साहब अजरीफ साहब हम पिछले काफ़ी दिन से इसी फ्लैट में काम कर रहे हैं और इतने बुरे हालात हैं यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकता तो काइंडली ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने अपने बच्चों का सदका 5-10-20 रुपये जहाँ भी मैं किसी एक को फेवर नहीं करता हूँ क्योंकि सारे लोग नेक काम कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इस नेक काम में शामिल होंगे और अपना अपना हिस्सा डालें यही हमारे बच्चों के अल्लाह न करे कभी हम पे ये तकलीफ आ जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा और कैसे मैनेज करेंगे। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी मुझे सुना थैंक यू वेरी मच जी जी सैयद अली बाबा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने पब्लिक को डिटेन किया।
पाकिस्तान।